नेक्स्ट जो है वो है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो ये कंपल्सरी कंडीशन है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी उनको जोड़ सकते हैं, तभी एक मैट्रिसेस से दूसरे मैट्रिसेस घटा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे एक मैट्रिक्स दे दे ए बी सी डी और दूसरी मैट्रिक्स दे दें एक्स वाई जेड टी, इसको जोड़ना है, तो अभी इसका ऑर्डर है 2x2, इसका भी ऑर्डर है 2x2, तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पहला एलिमेंट जो a11 है ये दूसरे एलिमेंट b11 में जुड़ेगा, अगर ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है। और अगर मैं जोड़ूंगा तो उसका आंसर आएगा a प्लस एक्स, ये हो जाएगा b प्लस वाई, ये हो जाएगा c प्लस जेड, ये हो जाएगा d प्लस। तो ये हमारी a प्लस b आई मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, जोड़ना भी इसी तरीके से है, सब्ट्रैक्ट भी इसी तरीके से करना है, ठीक। इसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन दो तरह का करेंगे, नंबर वन स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर किसी कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना। स्केलर मल्टीप्लीकेशन में अगर मुझे किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे मुझे ये एक ए मैट्रिक्स दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल एम एन टी एक्स, और मुझे थ्री ऑफ ए निकालना है, तो ये जो थ्री मल्टीप्लाई होगा ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 3m, 3n, 3t और 3x। इसी तरीके से जब भी कॉमन निकालना होगा तो कॉमन भी तभी आएगा जब सभी में वो पार्ट हो, ठीक। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते वक्त ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे पहले इन पे बेस्ड क्वेश्चन, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन एक और रहता है, वो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स। तो पहले इस पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन जाएंगे। तो जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना, जो सेकेंड एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन जो दे रखे हैं उसमें से जैसे मैं लूँ तो एक मैट्रिक्स दे रखी है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये है 3.2 एक्सरसाइज में, तो मैट्रिक्स है ए दे रखा है 2, 4, 3, 2, बी दे रखा है 1, 3, -2, 5, सी दे रखा है -2, 5, 3 और 4, और मुझे फॉर एग्जांपल निकालना है 3a-c, ठीक है। a प्लस बी तो हम आसानी से 3a-c निकालना है, हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन और प्लस माइनस दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ से 3a-c मुझे निकालना है। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 6, 4, 3, 12, 3, 3, 9 एंड 2, 3, 6, ये हो गए 3a-c -2, 5, 3 और। अब दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर 2x2 है, तो हम इसमें सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, एलिमेंट टू एलिमेंट सब्ट्रैक्शन होगा। 6 में से -1, -2, तो दिस गिव्स 8, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया, तो ये मेरा आया 3a-c, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, कितना बड़ा। अभी और टाइप के क्वेश्चन जो सॉल्व एग्जांपल वगैरह में दे रखे हैं वो भी इसी में शामिल कर सकते हैं। जैसे मुझे मैट्रिक्स दे दें एक्स प्लस वाई जो है वो 3, 4, 7, 9 दे रखा है ना, और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है फॉर एग्जांपल 2x-3y, ये दे रखा है 4-1, 0, 11। अब मुझे एक्स और वाई निकालना है, तो जैसे हमने 10th क्लास में किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो इसके कोफिशिएंट बराबर कर देते हैं, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो पहली इक्वेशन में ये x है, ये 2x है, तो इस
पूरी मैट्रिक्स को हम टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर फर्स्ट को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इसको हम कर रहे हैं टू से मल्टीप्लाई, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2y। और ये सारे क्योंकि मैट्रिक्स में जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे मल्टीप्लाई होते हैं, तो 6, 8, 14 और 18। और 2x - 3y हमने दे रखा है 4 - 1 0। अब हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो सब्ट्रैक्शन से सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये कट गया है, 2y + 3y = 5y, और उसको जोड़ देते हैं पूरा। यहाँ लिख देते हैं 5y, ये जोड़ेंगे तो 6, ये माइनस का साइन है, तो 6 - 4 = 2, 8 - 1 - 9, 14 - 0 = 14, 18 - 11 = 7। तो ये इसी तरीके से y निकालना है तो 5 इधर डिवाइड होगा, तो जो मल्टीप्लाई में हम बोलते थे सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, तो डिवाइड में सारे एलिमेंट डिवाइड हो जाएंगे, तो ये 5 से सारे डिवाइड होंगे, 2 by 5, 9 by 5, 14 by 5 और 7 by। ये हमारी y मैट्रिक्स आ गई। अब इस y मैट्रिक्स को हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x आ जाएगा, तो x ये प्लस का वाई उधर जाके माइनस हुआ, तो ये हुआ 3, 4, 7, 9। उसमें से y माइनस करना है, ये रही वैल्यू y की, 2 by 5, 9 by 5, 14 by 5 और 7। इसको माइनस कर देंगे तो 3 में से 2 by 5 गए, 15 - 2, 13 by 5, 4 में से ये गए 11 by 5, 14, 7, 35, तो ये 21 by 5, 9 - 7 by 5, 45 - 7, 38 by 5, तो ये हमारा x है। तो ये इसकी एप्लीकेशन हो गई प्लस माइनस, ठीक। इसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, लेकिन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब अगर मैंने दो मैट्रिसेस ली, एक का ऑर्डर n क्रॉस n, दूसरी मैट्रिसेस ली तो इसका ऑर्डर n क्रॉस p, यानी ये सेम होने चाहिए। ये है पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, ये है दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो, तभी इसका ए भी पॉसिबल है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या हुआ कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए शुड ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ डी, है ना, ये पूरा हिस्सा सेम होना चाहिए। और जब वो मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो इस ए बी मैट्रिक्स जो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद है इसका ऑर्डर ये वाला आएगा एन क्रॉस बी, ठीक है, ये हमारा फाइनल जो मैट्रिसेस ए बी बना है उसका ऑर्डर आएगा। जनरली ए बी और बी ए कभी भी बराबर नहीं होते, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में बराबर हो सकते हैं, अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, आई आ जाए, आई यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की है ना, जैसे यहाँ एन क्रॉस बी है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स हो। ये हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब वो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। अभी जो है हम सिर्फ इतना जान लें कि ए बी और बी ए कभी भी बराबर नहीं होते, ठीक है। तो जब हम दो मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसमें एक प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी लगती है। एसोसिएटिविटी लगी, एसोसिएटिविटी क्या होता है, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, कहने का मतलब है ए बी को मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करें या बी ए को बी सी से मल्टीप्लाई करें तो दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी लगी है। लेकिन क्योंकि ए बी बी ए के बराबर नहीं है तो ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी होती है, है ना, तो कम्यूटेटिव नहीं। दूसरा इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव भी लग सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी प्लस सी,
यानी बी और सी को ऐड करने हैं। अच्छा, बी और सी तभी ऐड होंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे, ठीक है। जब उनका ऑर्डर सेम होगा वो ऑर्डर ए, या ए से तभी मल्टीप्लीकेशन होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए नंबर ऑफ रोज ऑफ जो बी प्लस सी का आंसर आएगा उसके बराबर, ठीक है। तो ये तो जनरल चीज, ये तो ध्यान रखनी है। तो ये ए बी प्लस बी सी, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, ठीक है। तीसरा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आइडेंटिटी हमने आई से रिप्रेजेंट किया, ए को आई से मल्टीप्लाई करें या आई को ए से करें, आंसर हमेशा ए आएगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की लेनी है जिस ऑर्डर की हमें ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये हमने पढ़ा था कल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो इसका स्क्वायर होना जरूरी है। तो इसका स्क्वायर होगा तो मल्टीप्लीकेशन तभी होगा जब ये कंडीशन फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो इसकी ध्यान रखनी है। अब हम जब भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो इस पहले वाली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2×2, है ना, ये ए मैट्रिक्स है। और इस दूसरी मैट्रिक्स, इसको अगर बी कहें तो इसका ऑर्डर भी 2×2 है। तो ये नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ये सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 2×2 यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे कैसे, यानी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल तो है क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर। अब हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, तो जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है वो रो बाई कॉलम होता है। रो बाई कॉलम, पहले ये वाली रो लेंगे और ये वाला कॉलम, ठीक है। तो ये वाली रो को इस वाले कॉलम से एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट टू एलिमेंट। जैसे ये ए इस ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ए स्क्वायर, ये बी इस बी से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये रो ये कॉलम, तो ये बी से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर, और बीच में दोनों का साइन आएगा प्लस, है ना। तो जितने भी रोज में एलिमेंट होंगे वो उतने ही रोज कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे और सबके साइन जो है बीच में प्लस आएगा, या जो भी साइन आएगा मल्टीप्लाई करने वो आएगा। फिर ये एलिमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें पहली रो दूसरा कॉलम मिलेगा, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ए इंटू माइनस बी इज माइनस ए बी, बी इंटू ए इज प्लस ए। तो ये हमारी पहली रो सेकंड कॉलम लिया, तो उससे ये हमारा ए वन टू फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट आया, ठीक है। अब इसके बाद ये दो एलिमेंट कंप्लीट हुए, अब हमें तीसरा ये वाला, ये पोजीशन है 2 1, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको मार्क कर देते हैं। तो माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, ए इंटू बी प्लस ए बी, तो ये हमारा सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट हुआ। अब करते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस बी इंटू माइनस बी इज प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिसेस एक ए इंटू बी कंप्लीट हुआ। अभी कुछ कैलकुलेशन हो सकती है तो करनी है, जैसे माइनस ए बी प्लस ए बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारी ए बी मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। और अभी देखिए उसका ऑर्डर जो है वो 2×2 है, क्लियर है। तो पहली रो पहला कॉलम ये एलिमेंट आएगा, पहली रो दूसरा कॉलम ये एलिमेंट आएगा, दूसरी रो पहला कॉलम ए टू वन, दूसरी रो दूसरा कॉलम ए टू वन, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे हमें दे दें 1 2 3 और 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले दोनों का ऑर्डर लिखेंगे, इसका ऑर्डर, इसमें तीन रो और एक कॉलम, 3×1, इसमें एक रो है और तीन कॉलम है, तो ये 1×3, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और जो आंसर आएगा वो 3×3 की मैट्रिक्स आएगी,
ठीक है ना। तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, पहली रो पहला कॉलम और तो है ही नहीं इसमें, तो 1 × 2 ये कंप्लीट हो गया। पहली रो दूसरा कॉलम 1 × 3 नेक्स्ट 1 × 4 क्योंकि नीचे 12 सारे एलिमेंट्स है नहीं तो प्लस तो आएगा ही। अब हमारे ये पहले 3 एलिमेंट कंप्लीट हो, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 इज 4, 2 × 3 इज 6, 2 × 4 इज 8, सेकंड रो कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12, तो ये हमारी दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ। अगर ये ए मैट्रिक्स है ये बी मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर देखो 3+3 आ रहा है ना, तो ये रो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर होगी तो ये इसका ऑर्डर है, तो ये इसका ऑर्डर हुआ। तो इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमने एफ एक्स दे रखा और प्रूव करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज एफ एक्स प्लस वाई। एफ एक्स तो वह कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0, 0, 1। एफ वाई जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई रख देंगे, कॉस 1 माइनस साइन 1 0, साइन वाई कॉस वाई 0, 0, 0, 1, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई करने से पहले इसका ऑर्डर जो है वो 3/3 है, इसका ऑर्डर 3/3 है, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी 3×3 में आंसर आएगा, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लीकेशन शुरू करें, तो पहली रो पहला कॉलम कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई और 0, 0 कॉस एक्स कॉस वाई, पहला एलिमेंट पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस 0, ये पहला एलिमेंट हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॉस एक्स माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस साइन वाई का आएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये आएगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई प्लस 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम cos x into 0 is 0, minus sin x into 0 is 0, 0 into 1 is 0, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हुई, सेकंड रो में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम sin x cos y, sin x cos y cos x sin y, cos x sin y plus 0। इसके बाद सेकंड रो सेकेंड कॉलम साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई, तो प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 0। लास्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये तो साइन एक्स इंटू 0 0, कॉस एक्स इंटू 0 एंड 0 इंटू 1 इज 0। लास्ट रो, तो लास्ट रो के लिए ये रो और बारी बारी से कॉलम लेंगे, तो जीरो को इससे करेंगे जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये एलिमेंट जीरो आएगा, इसी तरीके से ये एलिमेंट भी जीरो आएगा क्योंकि थर्ड रो सेकंड कॉलम करना है। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो और 1 × 1, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। हमने जो 11th में आइडेंटिटीज पढ़ी थी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी है, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस वाई। इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल दें तो ये साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी है, तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई और तीसरा एलिमेंट जीरो है, ये आइडेंटिटी साइन ए प्लस बी की, ये आइडेंटिटी कॉस ए प्लस बी की और ये तीसरा एलिमेंट वो 0, 0 और 1, तो कंपेयर करना है। जो हमारा f x था जहां जहां x था वहां x plus y आएंगे, तो ये देखो cos x था तो cos x plus y आया, माइनस sin x था तो sin माइनस sin x plus y आया, तो कुल मिला के इसमें जहां जहां x थे ये x plus y आ गया, तो हम कह सकते हैं दिस इज फंक्शन ऑफ x plus
यही अगर प्रूव करना था कि एफ एक्स इंटू एफ वाई जो है वो एफ एक्स प्लस वाई होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है और हमें निकालना ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई, ये आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसी ऑर्डर की लेनी है जिस ऑर्डर का ए दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा जब ए स्क्वायर दिया जाता है तो उसका मतलब है ए इंटू ए, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि इस एलिमेंट्स का स्क्वायर नहीं करना है, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज होती है उसमें अगर मैं ए ए ए को फोर कर एम टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये ए एम आता है, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी में अगर मैं ए एम को एन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए एम एन, ये प्रॉपर्टी भी मैट्रिक्स में लगती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि कहीं पे अगर मुझे ए फाइव निकालना हो, है ना, तो मैं ए क्यूब निकाल के ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ ए क्यूब का मतलब है तीन बार ए इंटू ए इंटू ए, उसके बाद उसी में ए स्क्वायर निकल चुका होगा ए इंटू ए करके, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए फाइव आ सकता है, ठीक है। तो इसको फाइव टाइम्स करने की जरूरत नहीं, उस समय ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब है मुझे करना है ए इंटू ए, ठीक है। तो ए हमें दे रखा है और ए इंटू ए मल्टीप्लीकेशन करना है। तो सबसे पहले टू जीरो वन, टू वन थ्री, वन माइनस वन, जीरो को मल्टीप्लाई करना है टू जीरो वन, टू वन थ्री, वन माइनस वन, जीरो से। ये अभी सिर्फ हमारा ए स्क्वायर आया, ए स्क्वायर हमने किया ए इंटू ए, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये रो ये कॉलम, वैसे इसका ऑर्डर जो है वो थ्री बाई थ्री है, इसका ऑर्डर भी थ्री बाई थ्री है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो पहली रो पहला कॉलम, टू इंटू टू फोर प्लस जीरो प्लस वन, ये पहला एलिमेंट है, पहली रो दूसरा कॉलम, टू इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, तो जीरो प्लस जीरो प्लस माइनस, ठीक है, ये सेकेंड एलिमेंट। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, टू इंटू वन टू, जीरो जीरो, ये हमारी पहली रो कंप्लीट हुई। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, टू इंटू टू फोर, वन इंटू टू थ्री इंटू वन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, टू इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, टू इंटू वन टू, वन इंटू थ्री थ्री, और थ्री इंटू जीरो जीरो, ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हुई। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, वन इंटू टू टू माइनस वन इंटू टू माइनस टू, जीरो इंटू वन जीरो, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, वन इंटू जीरो माइनस वन इंटू वन माइनस वन, और वन इंटू माइनस वन माइनस वन, और जीरो इंटू माइनस वन जीरो, ठीक है। इसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, वन इंटू वन वन, माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री, जीरो इंटू जीरो जीरो, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हमें अभी सिर्फ ए स्क्वायर मिलेगा, तो हम निकाल रहे हैं ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हुआ हमारा फाइव माइनस वन टू, नाइन माइनस टू फाइव, जीरो माइनस वन माइनस टू, ये हमारा कितना ए, लेकिन हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई, ठीक है। अब ये हमारा ए स्क्वायर निकल गया, बोर्ड छोटा है तो हटाना पड़ेगा इसको, ए स्क्वायर हमारा निकल गया फाइव माइनस वन टू, नाइन माइनस टू फाइव, जीरो माइनस वन माइनस, दिस इज ए स्क्वायर, माइनस फाइव ए, फाइव इसको फाइव फाइव से मल्टीप्लाई करते थे,
तो ये होगा 5 टू जा 10 0 5 10 1 15 5 माइनस 5 0 माइनस को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस ये हो गया 5 प्लस 6i आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की लेनी है 3 बाय 3 की ठीक है अब इसको सिंपलीफाई करना तो ये 6 अब इसको एक साथ सिंपलीफाई कर देते हैं 5 माइनस 10 और यहां से आएगा प्लस का 6 फिर दूसरा माइनस 1 0 0 नेक्स्ट 2 माइनस 5 0 ठीक है ये पहली रो कंप्लीट नेक्स्ट रो 9 माइनस 10 0 माइनस 2 माइनस 1 6 नेक्स्ट दिस एलिमेंट 5 माइनस 15 प्लस 0 और लास्ट 0 माइनस 5 0 माइनस 1 प्लस 5 और 0 लास्ट माइनस 2 0 6 अब इसको सिंपलीफाई करते हैं ठीक है 5 6 11 माइनस 10 यह आया माइनस 1 यह आया माइनस 1 यह आया माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 10 माइनस 5 4 और 4 तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i ठीक है तो ये इस तरीके से सॉल्व करना है इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें a क्यूब है तो a क्यूब में पहले a स्क्वायर निकाल देंगे फिर उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो a क्यूब आ जाएगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी a वाली है तो मैंने बता दी वो लगेगी तो उसमें a स्क्वायर निकाल के a से मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 18 एक a मैट्रिक्स दे रखी है 0 माइनस 10 अल्फा 10 अल्फा बाय 2 0 इसका ऑर्डर है 2 बाय 2 ठीक है हमें i मैट्रिक्स लेनी है इसका भी ऑर्डर हमें लेना है 2 बाय 2 इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है और हमें प्रूव करना है ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ठीक है सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो i प्लस a निकालते हैं I आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 2 बाय 2 ऑर्डर प्लस a a हमारा 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 0 दोनों को कर देते हैं ऐड दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए ऐड कर सकते हैं ठीक है ऐड करने के बाद एलिमेंट टू एलिमेंट 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2 और 10 अल्फा बाय 2 1 ये हमारा आई प्लस से आया जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ठीक है अभी राइट हैंड साइड में ये थोड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन है और बोर्ड छोटा है तो इसको थोड़ा थोड़ा से पार्ट्स में लेता हूँ तो सबसे पहले आर एच एस में मैं सॉल्व कर रहा हूँ आई माइनस ए सिर्फ ये वाला हिस्सा ठीक है आई 1001 और a 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 0 और इसका भी करना है माइनस ठीक है दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है तो i माइनस a हमें मिला 1 1 माइनस 0 इज 1 माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा बाय 2 या आया माइनस 10 अल्फा बाय 2 माइनस है और ये आया 1
ठीक है, ये हमें मिला है आई माइनस ए। अब इस आई माइनस ए को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इससे मल्टीप्लाई करने से पहले जो हमने 11th क्लास में आइडेंटिटीज पढ़ी थी, 11th क्लास में हमने पढ़ा था cos 2 थीटा की आइडेंटिटी, ये होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा sin 2 थीटा की आइडेंटिटी, ये होती है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब cos अल्फा को मैं लिख सकता हूं, cos अल्फा हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये 2 थीटा था तो एंगल आधा हो गया, तो अल्फा है ठीक है अल्फा बाय 2 हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। और sin अल्फा को लिख सकता हूं 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज cos अल्फा sin अल्फा मैं रखता हूं यहां और इसको i माइनस n से मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, तो अभी मैं बोर्ड साफ करूंगा क्योंकि ये सब करने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। i प्लस a हमने निकाल लिया RHS, अब सिर्फ हम सॉल्व करेंगे LHS। ठीक है, तो सबसे पहले i माइनस a, i माइनस ए हमने निकाल दिया, ये था 1 tan अल्फा बाय 2 माइनस tan अल्फा बाय 2 और 1। ठीक है, cos अल्फा की जगह लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। sin अल्फा की जगह लिखेंगे माइनस भी है, माइनस 2 tan अल्फा बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। sin अल्फा की जगह लिख देता हूं 2 tan अल्फा बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। cos अल्फा की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, तो ये i माइनस है और ये जो cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा था उसकी जगह हमने जो 11th क्लास का आइडेंटिटी थी वो रख दी। अब हमें करना है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/2, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रो इनटू कॉलम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो पहले रो पहला कॉलम, तो 1 इनटू दिस, तो ये आया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 इनटू दिस। नाउ tan अल्फा बाय 2 इनटू दिस, तो 2 tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये हमारा पहली रो पहला कॉलम कंप्लीट। नाउ पहली रो सेकंड कॉलम 1 into this, तो minus 2 tan alpha by 2 upon 1 plus tan square alpha by 2 plus this into this, तो tan alpha by 2 को इससे multiply करना है, तो ये हो जाएगा tan alpha by 2, ठीक है, minus tan cube alpha by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ओके, ये हमारी पहली रो कंप्लीट हुई। अब दूसरी रो, दूसरी रो पहला कॉलम माइनस tan अल्फा बाय 2 को इससे मल्टीप्लाई करना, तो माइनस tan अल्फा बाय 2 प्लस tan क्यूब अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस ये एलिमेंट इसके साथ हुआ तो 1 इसके साथ हुआ 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ओके, नाउ लास्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस tan अल्फा बाय 2 इनटू माइनस, तो ये हुआ 2 tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 1
वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड स्टेप करने के लिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू आएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। पहला एलिमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट माइनस टू टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन अल्फा बाई टू और माइनस टेन क्यूब अल्फा बाई टू, तो माइनस टू में वन जोड़ेंगे तो माइनस वन आएगा, तो माइनस टेन अल्फा बाई टू, माइनस टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन क्यूब अल्फा बाई टू, ओके, तो वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू एलसीएम होता। ओके, नेक्स्ट दिस पार्ट माइनस टेन अल्फा बाई टू प्लस टू टेन अल्फा बाई टू, तो सिर्फ आएगा टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन क्यूब अल्फा बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। लास्ट एलिमेंट दिस माइनस दिस, तो आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, और आगे सॉल्व करें। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा वन, इसमें से माइनस टेन अल्फा बाई टू कॉमन निकाल देते, तो माइनस टेन अल्फा बाई टू कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ओके। और यहाँ पे भी अगर टेन अल्फा बाई टू कॉमन ले लें तो यह आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये ऑलरेडी वन है, इसमें से ये और ये कट गया तो फाइनली ये बचा वन माइनस टेन अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू और वन। ठीक है, ये हमारा जो हमने एलएचएस निकाला था तो ये एलएचएस के बराबर आया। ठीक है, तो ये कंडीशन तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये मैट्रिसेस का एप्लीकेशन है, हम डेली लाइफ में कैसे इस मैट्रिसेस को यूज करें। ठीक है, तो इसमें हमें दे रखा है कि 30,000 रुपीज़ का अमाउंट है और उसको दो तरह के बॉन्ड्स में लगाना है, एक में 5% इंटरेस्ट मिलता है जो रेट है वो 5% है, एक में जो रेट है वो 7% है। ठीक है, और हमारे दो क्वेश्चन है कि अगर टोटल इंटरेस्ट 1800 मिल रहा है तो दोनों में कितना कितना अमाउंट लगा, यानी ए फंड में कितना अमाउंट लगा और बी फंड में कितना अमाउंट लगा कि इंटरेस्ट 1800 आए, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन को उसमें यूज़ करते हैं। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि जब मैट्रिस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसको रो बाई कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो रो बाई कॉलम से करने की वजह से हम क्या करेंगे, एक पार्ट को पहले रो बना लेंगे दूसरे को कॉलम बना लेंगे। तो सबसे पहले हमारा फंड जो है, हम मान लेते हैं कि फंड जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, ए और बी। ए में मान लेते हैं एक्स अमाउंट डाल रहे हैं और बी में मान लेते हैं 30,000 माइनस एक्स अमाउंट डालते हैं। ठीक है, और इसका जो रेट है वो 5% है, इसका जो रेट है वो 7%। अब हम इसको अरेंज करते हैं इस तरीके से कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इसको यूज कर सके। तो हम अमाउंट को लिखते हैं रो में, पहला अमाउंट x, दूसरा 30,000 माइनस x, और बड़ा लिख देता हूँ 30,000 माइनस x। ठीक है, ये हमारी हो गई रो, इसमें हो गए दो एलिमेंट। अभी कॉलम को यूज करते हैं, तो कॉलम जो यूज करेंगे तो उसको कॉलम को यूज करने के लिए रेट हो गई 5% और 7%। ठीक है, और ये हमारा आंसर क्या आना चाहिए, टोटल इंटरेस्ट आना चाहिए 1800। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है इसमें एक रो और दो कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो 1x2 हो गया। इसमें दो रो है एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2x1, तो ये रो मैट्रिक्स हो गई, ये कॉलम मैट्रिक्स हुआ।
और इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि देखो ये जो नंबर ऑफ कॉलम है नंबर ऑफ रो के बराबर, तो जो उसका आंसर आएगा वो 1x1 यानी एक सिंगल जन मैट्रिक्स आएगी। तो ये एक सिंगल जन मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए जो है हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू 5% ऑफ एक्स प्लस 7% ऑफ दिस अमाउंट, ये रो ये कॉलम, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो 7% ऑफ यहाँ 30,000 माइनस एक्स इंटू 7%, ये परसेंटेज, ठीक है। तो 7% में चेंज किया तो इक्वल टू का आंसर आया 1800। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व करें, तो यहाँ 5x/100 प्लस 7 30,000 माइनस x/100 इक्वल टू 1800। एलसीएम लेने के बाद 5x प्लस 7 into 30 21 1, 2, 3, 4 माइनस 7x इक्वल टू 18। ये एलसीएम लेने के बाद 5x माइनस 7x इज माइनस 2x एंड दिस इज माइनस दिस इज 2,10,000 1,80,000, सो आंसर इज 30,000, सो एक्स इज 15,000। तो जो पहला अमाउंट है वो 15,000 हो गया, है ना, ये वाला 15,000 हुआ और दूसरा भी 15,000 हुआ, तो दोनों में 15,000 अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इंटरेस्ट 1800 मिलेगा, ठीक है। तो दोनों अमाउंट 15,000 और 15,000 हो गए, ये फर्स्ट अमाउंट हो गया, ये सेकंड अमाउंट हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट ये आपको अपने आप करना है, 1800 की जगह आपके आ जाएगा 2100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 भी वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें हमें केमिस्ट्री की 10 डजन बुक्स, फिजिक्स की 8 डजन बुक्स और इकोनॉमिक्स की 10 डजन बुक्स दे रखी है, और एक बुक का जो कॉस्ट है केमिस्ट्री का ₹80 है, फिजिक्स का ₹60 है और इकोनॉमिक्स का ₹40 है। तो ये तो डजन में दे रखे हैं, ये पर बुक दे रखे हैं, तो उसको भी हमें डजन में 12 होते हैं। तो पहले अगर हम देखते हैं तो केमिस्ट्री के 10 डजन है, तो केमिस्ट्री की बुक्स जो हो गई वो 120 हो गई, ठीक है। इसमें 8 डजन है, तो 8 into 12 ये बुक्स हो गई 96 और ये हो गई 120, तो इसको तो हमने बना दिया रो, ठीक है। और इसको बना देते हैं कॉलम, कॉस्ट को बना देते हैं कॉलम, ये तो बुक का हो गया है ना, और ये हो गया कॉस्ट पर बुक का। तो ये कॉस्ट जो केमिस्ट्री का है वो है 80, फिजिक्स का एक बुक का कॉस्ट है 60 और इकोनॉमिक्स की एक बुक का कॉस्ट है 40। अब हम इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आसानी से आंसर निकाल देते हैं, इसको हमने रो बना दिया, इसको कॉलम बना दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट अगर मुझे निकालना है तो वो क्या आएगा, दिस इंटू दिस रो इंटू कॉलम 120 into 80 प्लस 96 into 60 प्लस 120 into 40। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आंसर है वैसे ये आया 0069, ये हुआ 6936357, ये हुआ 4800। टोटल कॉस्ट हुआ 6087 15 और 6 21 2 11 20, तो ये हमारा टोटल कॉस्ट आया, सारी बुक्स टोटल अमाउंट आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जब भी आए पहले वो रो बनाना है बाकी वाले को कॉलम, ताकि रो बाई कॉलम मल्टीप्लीकेशन हो सके। अभी जो 21 और 22 क्वेश्चन है वो कंबाइंड है, इसमें हमें 5 मैट्रिक्स दे रखी है, एक एक्स मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2×n, वाई मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3×k, जेड मैट्रिक्स है 2×p, डब्ल्यू n×3,
पी पी क्रॉस के, ये मैट्रिसेस के अलग अलग ऑर्डर दे रखे हैं। अब हमें हमने जो कंडीशन पढ़े थे, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन जो मैट्रिसेस का तभी पॉसिबल होता है जब पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कंडीशन हमारा जो कंबाइन है वो, एक तो देखो ये पी और वाई प्रोडक्ट हो रहा है, डब्ल्यू और वाई प्रोडक्ट हो रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच का सम है, तो जब सम होता है तो दो मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो सम का भी हमें ध्यान रखना है ऑर्डर का, और प्रोडक्ट का भी ध्यान रखना है। तो पहले अगर P और Y का प्रोडक्ट मैट्रिसेस का हम ऑर्डर निकालें तो P मैट्रिसेस जो है वो P क्रॉस K है ना, ये है P क्रॉस K, P क्रॉस K, और जो W है नहीं Y है, Y का जो ऑर्डर है वो है हमारे पास 3 क्रॉस K। ठीक है, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर हो। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो उसमें लिखा ही है कि ये पॉसिबल है, इसका मतलब ये हो रहा है, तो हो रहा है तो उसका मतलब के की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर आ गई, के की वैल्यू 3 होगी तभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। और उसके बाद अगर के की वैल्यू 3 है तो इसका जो पी वाई का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा P क्रॉस K। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पी वाई का ऑर्डर निकाल लिया। अब पी वाई के बाद हम बात करते हैं डब्ल्यू वाई की, तो डब्ल्यू वाई का ऑर्डर, डब्ल्यू मैट्रिसेस जो है उसका ऑर्डर है N क्रॉस K, और Y मैट्रिसेस है इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस K। ठीक है, तो ये पहले से ही सेम है तो उसका मतलब आंसर आएगा N क्रॉस K, यानी डब्ल्यू वाई का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा एन क्रॉस के। ठीक है, और पी वाई का जो ऑर्डर था वो आएगा, यहां से हमने निकाला पी क्रॉस के। अब दोनों को कंपेयर करना है क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है, अब दोनों के बीच में प्लस है तो इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है इसका मतलब ये पॉसिबल है कि ये देखो के की जगह के है तो इसका मतलब पी और एन दोनों बराबर होना चाहिए, यानी n इक्वल टू p होना चाहिए, और एक हमने k की वैल्यू निकाली 3, तो ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 7x minus 5z, तो 7x x का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस n, और z का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस p। अब इनके बीच में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा, तो सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तो दोनों का ऑर्डर सेम हो रहा है इसका मतलब क्या है कि ये 2 क्रॉस n जो है वो 2 क्रॉस p के बराबर है, तो इसमें जो अवेलेबल कंडीशन है जो आंसर आएगा वो दोनों का ऑर्डर सेम आ रहा है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसका जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी या तो 2 क्रॉस n आएगा या 2 क्रॉस p आएगा। ठीक है, और P और N क्वेश्चन में पहले ही बराबर दे रखा है, ये गिवन है तो उसको हमें अलग से सोचने की जरूरत नहीं, गिवन नहीं होता तो ये भी इसका एक आंसर होता, लेकिन ये पहले से ही गिवन, तो हमारा आंसर 2 क्रॉस N 2 क्रॉस P में से कोई एक है, तो ऑप्शन में जो हमें है वो 2 क्रॉस N दे रखा है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है।